हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से इंडिया की कार इंडस्ट्री की माँ कहलाई जाने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि हैरी भाई, आप चलाते तो मारुति की रिड्स हो, लेकिन फिर भी आप मारुति के बारे में इतना कुछ क्यों बोलते हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक किसी पर्टिकुलर कंपनी की कार को ऑन करना या उसको रखना अलग बात है, उसकी सच्चाई के बारे में या उसके फैक्ट्स के बारे में बताना एक अलग बात है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में, जब उसने अमेरिका में अपना बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दिया था, या आप ये भी कह सकते हो कि क्विट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत सारे रीजंस रहे थे, ऐसे रीजंस जो हम इंडिया में रहकर सोच भी नहीं सकते कि इस वजह से मारुति वहाँ से चली गई। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में काफ़ी सारी बातें सामने आना शुरू हुई, जैसे कि 2012 से पहले की हम बात करें तो बहुत सारी खबरें आनी शुरू हुई कि मारुति बैंकरप्ट हो चुकी है। एक्चुअली वहाँ पे अमेरिका में, मैं बार बार इसको मारुति नहीं कहूँगा, इसको सुजुकी के नाम से ही मैं कहूँगा, क्योंकि मारुति इंडिया का एक ब्रांड है और सुजुकी जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो वहाँ पे जो खबरें आनी शुरू हुई, वहाँ पे ये सामने आया कि सुजुकी जो है वो बैंकरप्ट होना शुरू हो गई है। लेकिन ये एक झूठी अफवाह थी। मारुति, मेरा मतलब है सुजुकी, एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंकरप्ट अगर अमेरिका में हो भी जाती तो इतना बिजनेस उसका बाकी कंट्रीज़ में चलता है कि वो बैंकरप्ट नहीं हो पाती। ये खबरें बिल्कुल झूठी थी। तो क्या थी वजह जिसकी वजह से सुजुकी ने अमेरिका से क्विट किया? तो सबसे पहला कारण था उनके इंजन्स। जो छोटे इंजन सुजुकी के पास ऑलरेडी थे, वही इंजन्स के साथ वो अमेरिका में भी बिजनेस कर रही थी। वो एक मेन वजह थी कि सुजुकी ने वहाँ से क्विट किया। दूसरी वजह थी वहाँ पे उसकी बिल्ड क्वालिटी और उसके जो हार्डवेयर पार्ट्स थे वो, और तीसरी वजह थी वहाँ पे उसके जो फीचर्स सुजुकी प्रोवाइड कर रही थी वो उसके कंपटीटर्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे थे। तो ये तीन वजह थी जिसके वजह से वहाँ से सुजुकी ने क्विट किया। इसमें सबसे पहला कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सुजुकी के पास अपने इतने ज़्यादा डेवलप्ड इंजन वहाँ पे भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो वहाँ के कंपैरिजन की जो गाड़ियाँ थी, जो वहाँ के कंपटीशन में जो गाड़ियाँ थी उसके साथ कम्पीट कर पाती। आपने माई डियर फ्रेंड्स बहुत सी कंट्रीज़ में सुना होगा कि रोड पे अलग अलग लेन्स बनी होती हैं। अगर आपने 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलानी है तो आपके लिए एक अलग लेन बनी हुई है। अगर आपने 100 पे चलानी है तो एक अलग है। अगर आप उससे अबव चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से लेन बनी हुई है। इंडिया की तरह वहाँ बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही लेन में जितनी मर्जी स्पीड से चलाओ, चाहे वहाँ पर स्पीड लिमिट हो या ना हो। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अगर आप एक हाई स्पीड लेन में स्लो ड्राइव करते हैं तो आपका चलान वहाँ पे कटेगा। अगर आप लो स्पीड लेन में हाई स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे भी आपका चलान कटेगा। लेकिन अगर हम सिनेरियो देखें फॉरेन कंट्रीज़ का, स्पेसिफिकली यूएस का, तो वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड होती हैं, विद बेस्ट बिल्ड क्वालिटी होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए एक तो ज़बरदस्त इंजन की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा जो हार्डवेयर है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों ही चीज़ें, जैसे कि हमें इंडिया में ऑलरेडी पता है कि ये दोनों ही चीज़ों में मारुति हमेशा से लैक करती रही है, और यही कारण है कि मारुति का जो चलन है वो इंडिया में भी अब कम होना शुरू हो गया है। बिल्ड क्वालिटी की तो माशाल्लाह आप सबको पता है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। एक्चुअली होता क्या था कि हाई स्पीड जो गाड़ियाँ थी उनको वहाँ पे सुजुकी कम्पीट नहीं कर पाती थी। वहाँ पे जैसी सड़कें थी, जैसी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, जैसे वहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे जो कि हाई स्पीड में होते थे, उन केसेस में सुजुकी इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती थी।
और वो कंपटीशन से बाहर होती चली गई, धीरे धीरे उसको वहाँ पे क्विट करना पड़ा। जो तीसरी चीज़ है जो मैंने डिस्कस करी है आपसे, वो है उसकी जो उसके फीचर्स थे वो इतने ज़्यादा अप टू डेट नहीं थे तब, 2012 की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने कंपटीटर्स के साथ वहाँ पे कम्पीट कर पाती। तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से मारुति ने यानी कि सुजुकी ने वहाँ से अमेरिका में से क्विट किया। ये बात अगर हम इंडिया में सोचे तो शायद ही कभी भी नहीं सोच पाए कि मारुति सुजुकी इंडिया से क्विट कर जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे असल में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू का पता होता है, उसकी पहचान की जाती है और उसको यूज़ करते हैं और लोग उसे प्यार भी करते हैं। अगर नहीं पसंद आए तो ठोकर भी मारते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में रोड स्ट्रक्चर अलग तरह का है, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग तरह के हैं। हमारे रोड्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बने भी नहीं होते अच्छे से। इंडियन रोड्स के लिए मारुति एक सूटेबल ब्रांड है, लेकिन अमेरिका की सड़कों के लिए मारुति या सुजुकी एक बेहतर ब्रांड नहीं था, जिसकी वजह से उसने वहाँ से क्विट किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये तो मैं हमेशा ही कहना भूल जाता हूँ, आज कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलती रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।